સરગસ્વ રાજીવ ગાંધીની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા 3000 રાશન કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના આગેવાનો સહિત કાર્યકર્તાઓએ હાજરી આપી હતી। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति हारून अंसारी द्वारा लघुमती विभाग 3000 जरूरियातमंद परिवारों ने राशन किट आप 58 दिवस हारून भाई अंसारी और बिजनेस एकता समिति गरीब परिवारों ने दररोज 4000 खाद्य वस्तुओं पैकेटों वितरण कर राजीव गांधी ने 30મી શહાદત નિમિત્તે આજે 3000 રાશન કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને ગરીબ તેમજ જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને 300 રાશન કીટ આપવામાં આવી રહી છે। વધુમાં હારૂનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે ગરીબ પરિવારોને મદદ કરો જેથી ભૂખને કારણે કોઈનું મોત ન થાય અને કોરોના વાયરસથી સાવચેતી રાખવી એ પણ અત્યંત જરૂરી છે। મારું નામ હારૂન અંસારી છે ઓર મેં ગુજરાત પ્રદેશ વાઇસ ચેરમેન હું માનેટી ડિપાર્ટમેન્ટ છે કોંગ્રેસમાં और आज श्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का 30वीं पुण्यतिथि है 30वीं पुण्यतिथि है तो इसके मौके पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आज इस मौके पे हम लोग 3000 फूड पैकेट 3000 राशन किट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं गरीबों में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं और 4000 फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आप कौन सी जगह और ये फूड पैकेट और जो अनाज की किट किस जगह वितरण करने वाले हैं? ये हमारा यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलता है जामिया खदीजतुल कुबरा के नाम से। तो यहाँ पे ही हमारा डे वन से जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से और अभी तक डेली 4000 फूड पैकेट वितरण होता है। शहर के अलग अलग और भी कई जगह पर हमारा किचन चलता है। तो अभी हम लोगों ने आज जो श्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है तो उसके मौके पे ये प्रोग्राम रखा है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। इस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा है ठीक है, लेकिन कितने श्रमिक आज भी अटवा रहे हैं उस बारे में आप क्या कहोगे? मैं सभी से जितने भी हमारे शहर के अंदर जो भी मजदूर भाई हैं बहुत परेशान हैं आज की डेट में, तो मैं सभी नेताओं से कार्यकर्ताओं से वो किसी भी पार्टी को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो उनका सहयोग करें मजदूरों का, उनको घर भेजने में उनका सहयोग करें, उनके टिकट करवाने में, उनको ट्रेन तक पहुंचाने में उनका सहयोग करें। मैं कामरान उस्मानी, आज हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पे आज जो हारून भाई ने प्रोग्राम रखा है किट का और खाने का, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से खाने का प्रोग्राम इनका यहाँ भी चलता है और 2-4 जगह मैंने भी इनको कहा है वहाँ पर इन्होंने भी उसका कार्यक्रम आज तक चालू रखा है। आज हमारे नेता की याद आ रही है, एक नेता वो बैठा हुआ दिल्ली में जो गरीबों की आवाज़ उसके कान में नहीं पड़ती है। आज हमारा नेता गरीबों का दाता था, गरीबों का इतना हमदर्द था कि लोगों के बीच कोई भी समस्या आती थी चाहे वो भोपाल की समस्या रही हो कोई भी समस्या रही हो, हमारा नेता हमेशा गरीबों के बीच में रहा है, हर झोपड़पट्टी में गया है। लेकिन ये हमारा नेता जो अभी आज की तारीख में दिल्ली में बैठा हुआ है इसको गरीबों से कोई मोह नहीं है, सिर्फ अमीरों से ही है, वो भी अमीर कौन से हैं, जो बड़े बड़े अमीरदार हैं उन्हीं के लिए सब है। और जो आपने कारीगरों के लिए बारे में बोला है, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने 92 भी देखा है, 94 भी देखा है, 2002 भी देखा है, प्लेग भी देखा है, फसादात भी देखे हैं, लेकिन जो अब की घटना घटी है इतनी ख़राब घटना घटी है कि शायद ये कामदार वापस लौट के आएंगे। आज के दिन से ही मिल वाले पीछे लग गए हैं कि मिले 25 तारीख से चालू करने का, जिस दिन कारीगर परेशान था उसको तकलीफ थी, खाने की तकलीफ थी, मकान भाड़ा की तकलीफ थी, तब ये मिल वाले कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए। आज उनको जब कारीगर यहाँ से जाने लगे और योगी सरकार वहाँ से कारीगर को बुलाने लगी, अब इनको अपनी इंडस्ट्री की तकलीफ चालू हो गई है। आने वाला दिन कांग्रेस यहाँ सूरत के लिए इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़राब होगा। शायद सूरत के विकास में जितना इस कामदारों का योगदान था उस योगदान को इन्होंने देखा नहीं, सराहा नहीं, उसी का नजर होगा उसका ये अपना उन्हीं की ये पाप लगेगा कि आज सूरत का जो विकास है वो ठप हो जाएगा। कामरान भाई, कुछ बातें ऐसी भी चल रही है जो मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस की राजनीति कर रही है मजदूरों के लिए, कि क्या कहेगा? क्या कांग्रेस राजनीति कर रही है? आज यूपी के अंदर 1000 बसें प्रियंका जी ने मांगा, उनको 2 दिन के बाद आप परमिशन देते हैं, परमिशन देने के बाद आप उसमें 889 बसों को निकालते हैं, बाकी बोलते हैं रिक्शा है, मेटाडोर टेम्पा है, एम्बुलेंस है। मुझे ये बताइए जो पार्टी 1000 बस देगी वो एम्बुलेंस नहीं देगी? एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है,
टेम्पा की जरूरत नहीं, माल ढोने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या गलत किया? अब मोदी जी उसको निकाल रहे हैं कि इसमें किसकी परमिट है, किसका ड्राइवर का लाइसेंस है, जबकि मार्च के अंदर ही केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है कि जिसके लाइसेंस ख़त्म हो गए, जिसकी परमिट ख़त्म हो गई, जिसकी फिटनेस सर्टिफिकेट ख़त्म हो गई है, उसको जून तक कोई भी चीज़ की पूछा नहीं जाएगा। फिर क्यों कर रहे हैं? राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार कर रही है। जहाँ तक खाने का वितरण का सवाल है, सब लोग कर रहे हैं। जो भी सूरत में मदद हुई एनजीओ ने किया, सरकार ने कोई मदद नहीं किया। सरकार ने कामदारों के लिए जो 25-30 लाख कामदार, यहाँ किसी को 5 किलो की किट नहीं दिया है। सरकार सिर्फ बात कर रही है, और जहाँ तक सरकार नहीं करेगी, ये एनजीओ कितना कर सकती है? एनजीओ पूरा नहीं कर सकती। एनजीओ एक आपके हेल्प में आ सकती है, वो हर जगह हर नहीं पहुँच सकती है। तो सरकार विफल है। और मैं तो बोलता हूँ, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर विफल कोई चीफ मिनिस्टर था, विजय रूपाली, आप विजय रूपाली के बारे में पता लगा लीजिए। वो आज चीफ मिनिस्टर ऐसा है कि जिसने गांधीनगर से अभी तक अहमदाबाद का पग नहीं रखा है। ऐसे चीफ मिनिस्टर को गुजरात में रहने का कोई अधिकार नहीं है।